दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि किन ट्रांजैक्शंस से इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है और साथ में यह भी जानेंगे कि सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट की क्या लिमिट है। आइए पहले जानते हैं कि किन ट्रांजैक्शंस से इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है। किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर कुल 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की नकद धनराशि से शेयर, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स को खरीदा जाता है तो बेचने वाली कंपनी नकद ट्रांजैक्शन की सूचना आयकर विभाग को देती है, जिसके आधार पर आयकर विभाग जो कार्रवाई करता है तो उसमें नोटिस भेजता है। अगर बैंक का ग्राहक 1 लाख या उससे ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नगद करता है तो इसकी सूचना बैंक द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये या उससे ज़्यादा वैल्यू कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति खरीदता या बेचता है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार द्वारा उस प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग की इन्फॉर्मेशन आयकर विभाग को दी जाती है। किसी फाइनेंशियल ईयर में बचत खाते में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की नकद धनराशि जमा करने पर बैंक इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को देती है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में ग्राहक के सभी बचत खातों में किए गए नकद जमा का कुल योग अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो बैंक इसकी रिपोर्ट भी आयकर विभाग को देती है। यहाँ तक कि बैंक में नकद FD करने पर भी अगर सभी FD का कुल योग 10 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो बैंक इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को देती है। आइए अब जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट की क्या लिमिट है। बैंक में अपने बचत खाते में कोई भी ग्राहक जितना चाहे उतना पैसा नगद या बिना नगद के जमा कर सकता है। बैंक इसमें कोई रोक नहीं लगाती है। बैंक का काम बस रिपोर्टिंग करना है। जब भी नगद जमा धनराशि एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो बैंक इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स को देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।